नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी हिमाचल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। ये खास कार्यक्रम है आज की बात, और आज की बात में हम बात करने वाले हैं परीक्षा में पारदर्शिता की। परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर मौजूदा दौर में सवाल भी उठ रहे हैं और समस्या के समाधान को लागू करने की कवायद भी चल रही है। अभी हाल ही में नीट परीक्षाओं की अगर बात करें तो उस गड़बड़ियों को लेकर कई तरह के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर केंद्र सरकार भी कवायद कर रही है, कड़े कदम उठा रही है, और इन कड़े कदमों के जरिए परीक्षा में पारदर्शिता को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इन कदमों में एजेंसी के महानिदेशक को बदलना, 7 सदस्यों की कमेटी बनाना, परीक्षाओं में सुधार के लिए कमेटी के सुझाव आमंत्रित करना और एंटी पेपर लीक कानून लागू करना प्रमुख है। इस नए कानून के तहत एक तरफ जहां पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान नए कानून में है। हालांकि छात्रों द्वारा हाल ही में आए नीट नतीजों को लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को लेकर सुनवाई भी चल रही है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार द्वारा भी इस मामले में कड़े कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों को लेकर देश भर के शिक्षाविदों ने भी अपनी राय साझा की है। एक ऐसे कदम की जरूर आवश्यकता थी जिससे जो पेपर लीक करने वाले हैं, जो ऐसे गैंग हैं, जो समाज में माहौल को ख़राब कर रहे हैं, उन पे कठोर से कठोर कदम उठाया जाए। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। मुझे लगता है कि ये कदम लंबे समय से ओवरड्यू था ये, और इसको करने के बाद में इस तरीके की घटनाओं पे रोक लगेगी। सरकार ने जो ये कदम उठाया है उससे जो हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो बहुत सारे लूप होल्स हैं उनको फूल प्रूफ तरीके से कदम उठा करके रोका जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उन्होंने कई इस तरीके के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उसका भी फायदा मिलेगा। और जो मोदी सरकार है उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बहुत बहुत एक रिवोल्यूशन, एक क्रांतिकारी कदम उठाया है, उसमें आगे एक ये और मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये जो एंटी पेपर लीक का जो कानून बना है उसका बहुत स्वागत करती हूँ, क्योंकि जो सरकार ने 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें करी हैं मेरी नज़र में एजुकेशन के लिए, एक तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और दूसरा ये एंटी पेपर लीक कानून। क्योंकि जो हम युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उस खिलवाड़ को रोकने के लिए एक बहुत सकारात्मक और एक जिसे कहें बहुत मजबूत कदम सरकार ने उठाया है। विकसित भारत का जो सपना हम लेके चल रहे हैं उसकी बैकबोन ये यंग लोग हैं, जिन जो एग्ज़ाम्स लेते हैं और इनके ज़रिए उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ना ही सिर्फ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है पर भविष्य की पीढ़ी भी इस बात से आश्वस्त होगी कि उनकी जो मेहनत है, उनकी जो लगन है, उनकी जो कर्मठता है, उसका उनको फल अवश्य रूप से मिलेगा अगर वो उसके काबिल हैं। तो एंटी पेपर लीक कानून जो 21 जून से इम्प्लीमेंट हुआ है, ये बच्चों की तो मेहनत रहती है पर माँ बाप की बहुत सारी उम्मीदें भी उनके साथ रहती हैं, और कई बार तो ऐसे देखा भी गया है कि इन एग्ज़ाम को दिलवाने के लिए वो अपना सारा का सारा समय उस पर लगाते हैं, अपनी पूंजी भी लगाते हैं, और अगर एक बार भी ये पेपर लीक होता है तो उन सब उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। 2047 तक हमने जो विकसित भारत होने का जो सपना लिया है वो तो तभी पूरा होगा जब यूथ इसमें पार्टिसिपेट करेगा, और यूथ तो तभी पार्टिसिपेट करेगा जो भी एक्टिविटी वो कर रहे हैं वो दिल से करें, और दिल से तभी करेंगे जब कोई एग्ज़ाम लिख रहे हैं या किसी ऐसा एग्ज़ाम लिख रहे हैं जिसमें उनको नौकरी मिलेगी, वो तभी हो पाएगा जब ऐसे एग्ज़ाम्स की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। और मुझे लगता है कि जब यूथ सेटिस्फाई रहेगा तो अपने आप दे विल बी एबल टू पुट बहुत सारा एफर्ट डाल पाएंगे अपने जो भी जिस काम के लिए भी उनका सिलेक्शन हुआ है, और उससे देश विकसित हो जाएगा, जल्दी विकसित हो जाएगा। विद्यार्थियों के हित में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है, क्योंकि विद्यार्थी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और लाखों रुपए फीस दे करके और नीट की तैयारी करते हैं, उनके सपनों की जो उड़ान है उस उड़ान को कुछ लोग रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कड़ा से कड़ा दंड देने के लिए वो कानून लाए हैं कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो।
तो नीट परीक्षा में हुए विवाद को लेकर चौतरफा कार्रवाई हो रही है। एक तरफ जहां सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों की पुलिस भी इस मामले में कार्रवाई को अंजाम दे रही है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई का दौर भी जारी है। और इस बीच देश भर के नामी डॉक्टरों ने भी नीट विवाद को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं साझा की हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एज द वाइस चांसलर ऑफ केरला यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन ऑफ हेल्थ यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ द कंसर्न्स यू आर ऑल हैविंग। द NEET examination, we don't know when it is going to be fully implemented, how the admission to the MBBS course will happen, because the case is pending with the Honorable Supreme Court. The NEET PG examination has been postponed. Definitely these things will cause a lot of concern, but I can tell you that this is done with a very important purpose. The medical graduate from India, the Indian medical graduate has got a great reputation. Our graduates are serving the country as well as the whole globe, and we have got a great brand name. And this name has to be maintained. And this name can be maintained if our selection process is transparent and honest. Now there are complaints against the NEET examination, and we don't want that complaints to remain. This has to be cleared, and the result has to be perfect, and this will happen within few days. And the NEET PG examination, which was postponed, will definitely happen after few days. And before that, we have to clean up the whole mess, the allegations, and the graduates who come out from India will be top class, and you can be proud that you have come through a very transparent examination. Transparency of the selection process is utmost important, and the government and all concerned are very much involved in that, and I am assuring you that this will happen very soon and we can meet again. And please come to our universities as a winning candidate through the NEET UG as well as NEET PG. Wish you the very best. Thank you. Indian Medical Association, the largest medical association in the world of modern medicine doctor, is relieved by the action of central government regarding the fallacies and misconduct in the NEET UG examination. As we demanded, the government accepted our demand for the CBI probe in the whoever are the culprit to find out that who have done this mischievous attitude and mischievous actions. We thank the central government for removing the DG Mr. Subodh Kumar of the NTA and replacing him with Mr. Pradeep Kumar. It will help in the fair probe. We also thank the government to constitute a high level committee to suggest and find out the ways how we can make our examination, our NEET examination, absolutely free from any corruptions. We once again thank the government for taking proactive actions in this regard. At the same time, we are little bit apprehensive about the last moment cancellation or the postponement of the NEET PG exam on Sunday. Lot of lakhs of medical doctors who were aspirant for the PG, who have their outstation center, they have already proceed for the center. So it could have been done at least 24 hours prior, but we believe there must be some reasons for last moment postponement of this exam. At last, we again thanks the central government, and we hope that the sanctity of this exam will be maintained and it will be absolutely free, and it will gain the confidence of the 25 lakh students who are aspirant for this NEET UG. Thank you very much. Dear friends,
We value the concerns of students and their parents on the recently conducted NEET UG examination by National Testing Agency. Proactive steps have been taken by the government to ensure transparency in various competitive examinations. Mr. Pradeep Singh Kerola has been appointed as new DG National Testing Academy, replacing Mr. Subodh Kumar Singh. Ministry of Education has constituted a high-level committee of experts under the chairmanship of Dr. K. Radhakrishnan, former chairman ISRO and chairman Board of Governors IIT Kanpur, to ensure transparent, smooth and fair conduct of examinations. The committee will make recommendations on reforms in mechanism of examination process, improvement in data security protocols and structure and functioning of National Testing Agency. CBI has been handed over the investigation of alleged irregularities in NEET undergraduate examination 2024 for comprehensive investigations. Government has also notified the Public Examination Act to curb unfair practices and paper leaks. Provision of Rs. 1 crore fine and jail up to 10 years to offenders has been made. Professional bodies have welcomed these steps taken by the government. We need suggestions from various sectors, educationists and professional bodies to make the examination system and practices foolproof. वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई का भरोसा दिया है। शिक्षा मंत्री ने साफ किया है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं देश के विद्यार्थियों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये सरकार आप ही के हैं, आप ही के द्वारा ये सरकार की चयन हुई है। आप भरोसा रखिए, हम देश की विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि मानते हैं, उनके लिए पारदर्शिता हमारी दायित्व है। कोई भी मेधावी विद्यार्थी के हितों को अनदेखा नहीं हो, ये हम पूरा कोशिश करेंगे और दायित्व भी लेंगे और हम दायित्व लेते भी हैं। कुछ विसंगति अभी ध्यान में आई है, कल शाम दोपहर को ही 3 बजे ही यूजीसी नेट में गृह विभाग की गुइंदा संस्था जो साइबर की दुनिया की निगरानी करती है IC4, उन्होंने एक इम्प्यूट दिया, एक पुख्ता तथ्य दिया कि भाई शायद आपकी परीक्षा कॉम्प्रोमाइज हुई है। फिर हमने उसको अनुसंधान किया, हमको भी लगा कि ये तो कॉम्प्रोमाइज हो गया है। हम समय नहीं बिताया उस परीक्षा को स्थगित करने के लिए और तुरंत CBI इंक्वायरी करवाने के लिए, क्योंकि हमें देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। प्राध्यापक बनेंगे, PhD में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उनकी इंटरेस्ट को कोई गुणवत्ता के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, इसलिए उसको हमने तुरंत कार्रवाई किया। बाकी रहा नीट के बारे में, नीट में पहले विसंगति ध्यान में आया ग्रेस मार्क को लेके, कुछ एक प्रोसीजरियल मिसमैनेजमेंट के कारण, पद्धति को गलत तरीके से अपनाने के कारण एक भ्रम पैदा हुआ, जिसमें कुछ विद्यार्थियों का एक नाराजगी हुई, वो लोग भी कोर्ट को गए। फिर NTA ने कोर्ट के सामने एक नया पद्धति रखा कि सबका जो 1563 बच्चों के मन में असामंजस्य है, जिनको ग्रेस मिला था इसलिए बड़े विद्यार्थियों के बारे में, बड़े वर्गों के मन में एक असामंजस्य है, उसको प्री एग्जामिनेशन कर दिया जाए। कोर्ट ने उसको स्वीकृति दिया कि कोर्ट के आदेश दिया कि उसको कर दो री एग्जामिनेशन, जिसमें मेजर इश्यू नीट की समाधान हो गया था। फिर एक स्पेसिफिक एक जगह की पटना में कुछ गड़बड़ियों की ध्यान आई, पटना पुलिस की सही समय की इंटरवेंशन के कारण उसकी सारे गिरोह को पकड़ा गया। अभी और अनुसंधान चल रहा है, कुछ विषय जो जो कागज भारत सरकार को मांगा गया था सब हमने NTA ने उपलब्ध कराया। बिहार सरकार के अधिकारी और भारत सरकार के अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं उसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए। वहां भी गड़बड़ी करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा।
तो नीट को लेकर सामने आए इस पूरे विवाद में राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। एक तरफ विपक्ष जहां इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, तो वहीं सरकार के मंत्री और सरकार के नेता और प्रवक्ता भी इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी की बात राहुल गांधी ही जाने, ठीक है ना। ये बात अशोक गहलोत से पूछना चाहिए था ना 7-8 महीना पहले, जब राजस्थान में इनकी सरकार थी, जहां रिकॉर्ड बना था पेपर लीक का। अरे हम तो पेपर लीक करने वाले को पकड़ रहे हैं, धर पकड़ करके उसको अरेस्ट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, लेकिन 24 लाख छात्रों के भविष्य में घिनौनी राजनीति करने वाले राहुल गांधी ही हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो भाई चांसलर मेरिट पर नहीं आ रहे हैं, उनको थोपा जा रहा है। राहुल गांधी को पता भी है कि वाइस चांसलर और चांसलर में अंतर क्या होता है। चांसलर गवर्नर को कहते हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी में होता है। राहुल गांधी को पता भी है दोनों में अंतर। धर्मेंद्र प्रधान की बातें आई सामने, उन्होंने कहा कि जिम्मेवारी लेता हूँ और बकायदे पूरी कठोरतम सजा। नहीं, निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान जी देश के शिक्षा मंत्री हैं और ये जो गड़बड़ी हुई है उसकी निश्चित तौर से जिम्मेदारी, हम तो कहाँ हम जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम वैसे लोग नहीं है जो जिम्मेदारी से भागे। सिस्टम को ठीक करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम करके रहेंगे। कांग्रेस पार्टी कहेगी 56 इंच का सीना 30 से 32 इंच बढ़ गया। कांग्रेस के पास सीना ही नहीं है, वो हमारे 56-30 को कब से नापने लगे। 99 की औकात नहीं है, चले 56 नापने। नहीं, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने उनको नोटिस भेजा है और उनसे पूछताछ करेगी, वो तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। विजय सिन्हा कह रहे हैं कि बहुत सीरियस मैटर है, उन्होंने बताया था कुछ सबूत सामने रखे हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से कोई नहीं बचेगा इसमें। ये सच्चाई है कि कोई नहीं बचेगा इसमें। जांच एजेंसी पूरी अपनी कार्रवाई करेगी, अगर कुछ गड़बड़ी जो हुई है जो सामने आई है उसमें कोई नहीं बचने वाला है। इस बीच सीबीआई की जांच का सिलसिला भी इस पूरे मामले में लगातार जारी है। कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई लोगों से पूछताछ चल रही है और इसी जांच के चलते सीबीआई की एक टीम पटना में ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो बनाया गया है उसके ऑफिस भी पहुंची है, यहां पर पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ एक अधिकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ईओयू से इस मामले में संबंधित सभी साक्ष्य इकट्ठा करने में जुटी हुई है। गिरफ्तार किए गए सभी लोग पटना में ही न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई की टीम अदालत से ट्रांजिट रिमांड हासिल करके आरोपियों से विस्तृत पूछताछ के लिए उन्हें दिल्ली भी ले जा सकती है। ईओयू अधिकारी ने इस बारे में बताया कि सीबीआई सबूतों को नष्ट करने को लेकर इस मामले में कई एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। इतना ही नहीं, उन आरोपियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले भी दर्ज किए जा सकते हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं। वहीं विवेकानंद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर सतीश बोध ने भी नीट को लेकर सामने आए इस पूरे विवाद में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। नीट एग्जाम के इंटीग्रिटी के विषय में मुझे 2-3 बातें महत्वपूर्ण लगती हैं कि क्या हम एनटीए की इंटीग्रिटी के ऊपर डाउट कर सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब सीबीआई देगी, इन्वेस्टिगेशन चालू है। लेकिन क्या हमेशा ही एग्जामिनेशन में गड़बड़ी होती रही है? एनटीए कई सालों से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और अभी तक सभी का उसके ऊपर भरोसा भी रहा है। अचानक ही ऐसा क्या हुआ कि उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर प्रश्न उठने लगे? कई बार मन में ऐसा प्रश्न भी उठता है कि यह कोई एक प्रायोजित कार्यक्रम तो नहीं है कि अपने देश की इतनी बड़ी एजेंसीज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाए और देश की एक तरह से पूरी इंटीग्रिटी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया जाए। क्योंकि एनटीए जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है उसमें लाखों छात्रों का भविष्य निश्चित होता है, कई तरह की एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट करता है। लेकिन विशेषकर नीट के ऊपर ही क्यों बार बार प्रश्न खड़े होते हैं, यही सवाल मन में आता है। और भी तो कई तरह की एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट करता है, उसके ऊपर तो कभी इतने बड़े प्रश्न खड़े नहीं होते। फिर मुझे ध्यान में आता है कि नीट को लेकर के कई राज्यों ने पहले से ही एक स्टैंड बनाया हुआ है कि उनको नीट नहीं चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लोगों को नीट नहीं चाहिए वह इस तरह से पूरी एग्ज़ाम के सिस्टम को ही कटघरे में खड़ा कर दें और उनका यह मंसूबा सफल हो जाए कि हमारी एनटीए एजेंसी ही गड़बड़ कर रही है और सब जगह गड़बड़ है। क्या देश के युवाओं का विश्वास अपने देश की एजेंसियों पर से हट जाए, इसका एक बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है? और आईआईटी गुवाहाटी के निदेशक प्रोफेसर देवेंद्र जलिहाल ने भी इस पूरे मामले को लेकर अपनी
प्रतिक्रिया दी है नीट को लेकर उपजे इस पूरे विवाद को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है सुनिए। एनी सिस्टम डिजाइन कैन बी ब्रीच्ड, लेकिन लोग सतत इसके ऊपर जागरूक है और देख रहे हैं, एक्सपर्ट लोग एडमिनिस्ट्रेटर्स उसमें कैसे इसको चेंज लाया जाए कि नेक्स्ट ईयर ऐसे नहीं हो जाए। तो ये सिस्टम तो ऐसे इवॉल्व होते जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर जागरूक है। और अभी जो हुआ फिलहाल मई मास में जो नीट का यूजी नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, तो उसके बारे में जब रिजल्ट्स आया तो पता चला कि बहुत सारे लोगों को 100% मार्क्स मिला अनयूजुअली। तो ये सब तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर देख रहे होंगे, मैं तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हूँ तो उस मुझको पता नहीं है, लेकिन जब ऐसे ब्रीच उनको लगा कि ये अच्छा चीज़ नहीं है तो तुरंत वो CBI को केस उसको सौंप दिया। तो एक पहला चीज़ क्या कि उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ऐसे नहीं कि उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे, तो CBI को केस सौंप दिया है तो तुम इन्वेस्टिगेट करो और देखो क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन करने के बिना वो सब जो अंदर का जो बाहर नहीं आएगा, तो ये ओपन सिस्टम के लिए ठीक है कि इन्वेस्टिगेशन करके उसका रिपोर्ट आए। दूसरा चीज़ गवर्नमेंट ने जो किया है, तो एक दो दिन पहले एक हाई पावर्ड कमेटी को वो प्रपोज़ किया है जिसमें हमारे श्री राधाकृष्णन जी है, वो इसरो के चेयरमैन रह चुके थे, तो ही इज़ अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। उसके साथ जैसे मुझे मेरी जानकारी है 2 IIT के प्रोफेसर भी है। सो आई थिंक यू नो जो सिस्टम गवर्नमेंट ने प्रपोज़ किया है, लेट देम कम आउट विद अ रिपोर्ट, लेट देम लुक एट द होल सिस्टम, एंड आई थिंक जो आउटकम होगा वो अच्छा ही होगा। मैं स्टूडेंट लोगों को फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप मन मत हारिए, तो एक बार और फिर से कोशिश करें। सिस्टम वर्क्स फॉर यू, academicians are concerned for the welfare of the young students of our country. I mean, they are our future, right? And academicians are well aware of this. And the system will change if needed to take care of such problems. तो कार्रवाई का दौर लगातार जारी है और नीट को लेकर उपजे इस पूरे विवाद में अब तक 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ जो 7 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी भी अगले 2 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी। इस रिपोर्ट में NTA में सुधार के प्रति कुछ सुझाव दिए जाएंगे, राय दी जाएगी और उम्मीद है कि इन सुझावों पर अमल किए जाने के बाद NTA, नीट और अन्य एजेंसियों में सुधार को लेकर जो कवायद चल रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब होती नजर आएगी। परीक्षा में पारदर्शिता को लेकर आज के इस खास कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।